दोस्तों इन दिनों टीवी इंडस्ट्री में कितने एंटरटेनिंग सीरियल प्रसारित किए जा रहे हैं इस बात का तो आप सभी को अंदाजा होगा। जहां इमली सीरियल ने अपनी इंटरेस्टिंग कहानी से दर्शकों का दिल जीता है और मीर सीरियल ने भी, और इनमें हमें खूबसूरत कहानी के साथ साथ कई खूबसूरत जोड़ियां भी देखने को मिली और उन्हीं जोड़ियों में एक जोड़ी है माँ बेटी की, जहाँ कुछ अदाकाराएं माँ बनकर तो कुछ ने बेटी बनकर इस जोड़ी को हूबहू पर्दे पर उतारा है और दर्शकों का खूब प्यार भी बटोरा है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सीरियल में माँ बेटी की जोड़ी में नजर आने वाली इन अभिनेत्रियों में से किसने अपनी जोड़ी से जीता है दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल और बनाई है नंबर वन पर अपनी जगह? नहीं जानते? कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको यही बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं। नंबर 8, सुम्बुल तौकीर और किरण खोजे। एक्ट्रेस सुम्बुल तौकीर और किरण खोजे को आप इन दिनों इमली सीरियल में माँ बेटी की खूबसूरत जोड़ी में देख रहे हैं, जहाँ सुम्बुल इमली का किरदार अदा कर रही है तो वहीं किरण खोजे मीठी की भूमिका में है। दोनों अपनी इस माँ बेटी की जोड़ी से दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। हालांकि दोनों कि साथ में काफी कम अपीयरेंस देखी जाती है, जिसकी वजह से इनका नाम इस लिस्ट में नंबर 8 पर शुमार है। नंबर 7, मुग्धा चापेकर और श्रुति झा। कुमकुम भाग्य सीरियल में माँ बेटी के तौर पर नजर आने वाली प्राची और प्रज्ञा के किरदार में जो नजर आने वाली मुग्धा चापेकर और श्रुति झा की बात करें तो भले ही श्रुति झा सीरियल में अलविदा कह चुकी है, लेकिन सीरियल में दोनों ने माँ बेटी की जो भूमिका अदा की है उसने दर्शकों का दिल काफी जीता है, जिसे दर्शक आज भी खूब याद करते हैं। श्रुति झा के सीरियल से लेफ्ट होने की वजह से इस जोड़ी को नंबर 7 पर रखा जाता है। नंबर 6, किशोरी शाहणे और मिताली नाग। अभिनेत्री किशोरी शाहणे और मिताली नाग ने गो मैं किसी के प्यार में माँ बेटी की भूमिका बेहद खूबसूरती से अदा की थी। जहाँ मिताली नाग को मेंटल डिसऑर्डर बेटी की भूमिका में देखा गया था, तो वहीं किशोरी शाहणे ने एक जिम्मेदार माँ की भूमिका अदा की थी और अपनी इस माँ बेटी की जोड़ी को सीरियल से खूब हिट किया था। नंबर 5, सरगुन और इंदिरा कृष्णन। डॉक्टर प्रीशा और वसुधा बनकर अपनी माँ बेटी की जोड़ी यह चाहते सीरियल को एंटरटेनिंग बना रही सरगुन और इंदिरा कृष्णन की जोड़ी भी आज सबसे मशहूर हो चुकी है, जहां दोनों को ही माँ बेटी के एक ऐसे अंदाज में देखा गया है जहां बेटी ने एक बेटे होने का अपना फर्ज अदा किया तो वही माँ ने भी अपनी बेटी के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इनके इसी बॉन्ड की वजह से ये जोड़ी नंबर 5 पर अपनी जगह बना चुकी है। नंबर 4, रीम शेख और ममता वर्मा। फना इश्क में मर जावा सीरियल में माँ बेटी की जोड़ी में नजर आ रही रीम शेख और ममता वर्मा की बात करें तो सीरियल में इन्हें पाखी और प्रेमा की भूमिका अदा करते हुए देखा गया था, जिन्होंने माँ और बेटी के किरदार में खुद को इस तरह से प्रेजेंट किया कि दर्शक भी इनकी तारीफ करते नहीं थके, तभी तो इनका नाम इस लिस्ट में शुमार है। नंबर 3, आशीष सिंह और वैष्णवी महंत। एक्ट्रेस आशीष सिंह और वैष्णवी की ये माँ बेटी की जोड़ी वही है जिन्होंने साथ मिलकर मीत सीरियल में मीत को हिट बनाया था। सीरियल में दोनों को मीत और अनुभा अशोक के किरदार में देखा गया, जहां आशीष सिंह मीत के किरदार में सभी जिम्मेदारियों को निभाती है, साथ ही वैष्णवी महंत ने मां बनकर इस जोड़ी को हिट बनाने का काम किया। नंबर 2, मुस्कान बामले और रूपाली गांगुली। अनुपमा सीरियल में अनुपमा की मुख्य भूमिका निभाकर रूपाली गांगुली ने एक जिम्मेदार को पर्दे पर उतारा है, साथ ही सीरियल में इनकी बेटी पाखी के किरदार में नजर आ रही मुस्कान बामने भी कुछ कम नहीं है, जो अक्सर अपनी मां के साथ अपने रिश्ते की वजह से सीरियल में ट्विस्ट लेकर आती है और उसी वजह से इनका नाम इस लिस्ट में नंबर 2 पर शुमार है। नंबर 1, प्रियंका चहर चौधरी और कमल डडियाला। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री की जिस माँ बेटी की जोड़ी ने दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल जीता है और नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई है वो है प्रियंका चहर चौधरी और कमल डडियाला की। जोदारिया सीरियल में तेजो और सत्ती बनकर माँ बेटी की भूमिका में इतने प्यारे लग रहे थे कि कम ही समय में इन्होंने अपनी इस जोड़ी को सीरियल को हिट बनाने में यूज किया और दर्शकों को अपनी तारीफें करने पर मजबूर कर डाला, तभी तो आज माँ बेटी की इस जोड़ी को लाखों करोड़ों लोग पसंद करते हैं। वेल दोस्तों, इनमें से किन अभिनेत्रियों को माँ बेटी के रूप में आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।